नमस्कार, आरजी न्यूज चैनल पर आपका स्वागत है। बरेली समाचार। थाना मीरगंज क्षेत्र के रहपुरा जागीर के लोग वहां आज डीएम ऑफिस पहुंचे और उन्हें शिकायती पत्र दिया है कि सरकारी जमीन पर भूमाफिया कब्जा कर रहे हैं। सरोली रिपोर्टर कविता की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? मेरा नाम तीरथ राम, ग्राम पंचायत सदस्य हूँ रहपुरा जागीर से। जी सर, डीएम साहब से आज मिलने आए थे। हम पिछली बार 22 दिसंबर को धरने पे बैठे थे तो सिटी मजिस्ट्रेट साहब ने धरना प्रदर्शन ख़त्म कराया था और उन्होंने लिखित में आश्वासन दिया था कि हम आपकी जो भी समस्याएं हैं इसका निराकरण करा देंगे। तो हम बीच बीच सिटी मजिस्ट्रेट साहब से भी मिले, चकबंदी दफ्तर में एसीओ साहब से भी मिले, एडीएम साहब से भी मीरगंज जाके मिले, लेकिन आज तक कोई भी हमारी समस्या का समाधान नहीं हुआ। जो प्रशासन ने पिछले लगभग 100 बीघा भूमि भूमाफियाओं से पैमाइश करके और कब्जा मुक्त कराई थी, उस पर भूमाफियाओं ने दोबारा कब्जा कर लिया और गेहूँ की फसल तैयार है जिसके लिए वो लोग काटने को तैयार हैं। जब मौका लगेगा वो काट लेंगे। और एक सेक्टर रोड है, एक भूमाफिया ने उसको भी बंद कर रखा है। रातों रात लगभग 4 एकड़ ज़मीन में उन्होंने पक्का निर्माण कर दिया है। तो इस चीज़ को हम लोग जब से लगातार अधिकारियों से मिल रहे हैं लेकिन आज तक कोई कार्रवाई ना हुई। तो हमने सोचा चलो आज डीएम साहब से भी मिल लें। डीएम साहब को लिखित में हमने दिया है, उन्होंने कहा कि हम एसडीएम साहब को भेज देते हैं और कल तहसील में आप एसडीएम साहब से मुलाकात कर लेना। अगर कार्रवाई नहीं होती तो आगे क्या होगा? सर, अगर कार्रवाई नहीं होती है तो पहले हम लिखित शिकायत करेंगे सब अधिकारियों को, उसके बाद हम लोग फिर धरने पर बैठेंगे।